सीएम का कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, निकलेगी कार्यकर्ताओं की मन की बात, क्या संवाद से बनेगी बात। कोरोना काल के दो साल के वक्त ने सरकार और लोगों के बीच कुछ दूरियां बढ़ा दी थी, जिन्हें अब दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलों के पदाधिकारियों से सीधा फीडबैक लेने का कार्यक्रम तय किया है, जिसके तहत जिलों के पीसीसी से लेकर ब्लॉक अधिकारी तक मुख्यमंत्री सीधी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में सीधे संवाद को बिना किसी तामझाम के गुपचुप तरीके से शुरू किया गया है, जिसमें सरकार की योजनाओं के साथ साथ जिले की जरूरतों और कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को मुख्यमंत्री टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं, संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे हैं। हमारी अच्छी योजनाओं का जनता में कितना सीधा लाभ पहुंच रहा है, इसी के बारे में मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और संगठन की उन्हें संपूर्ण जानकारी है कि संगठन के कार्यकर्ताओं को कैसे चार्ज करना है और संगठन को कैसे मजबूत करना है, नए लोगों को कैसे जोड़ना है और आने वाले चुनाव में हम लोगों को कैसे चुनाव में जाना है। तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे साथियों के साथ जब मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। इधर मुख्यमंत्री की इस कवायद को बीजेपी कांग्रेस का डर करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ता कभी भी सही फीडबैक नहीं देगा, बल्कि मुख्यमंत्री के सामने केवल तारीफ की जाएगी, जिससे असली हकीकत से सरकार का रूबरू होना संभव नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री के सामने कोई भी कार्यकर्ता सरकार की कमियों को नहीं बताएगा, इसके लिए तो इंडिपेंडेंट लोग जाना चाहिए, तब इसको समझ में आएगा कि सरकार से लोग कितने नाखुश हैं। ये सरकार शायद ये पहली सरकार है जो 30 महीनों में ही, 2.5 साल में ही अलोकप्रिय हो गई है। जाहिर है सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी कम करने मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लेने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है, साथ ही इसके जरिए कार्यकर्ताओं तक अपनी पहुंच स्थापित करने की भी कोशिश है। हालांकि सरकार का ये नया फार्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा विषय है संवाद पर सियासत। संवाद, संवाद ही वो एक जरिया है, एक हम कहें ऑप्शन है, जो भीतर के विचारों को जानने के लिए अपनाया जाता है। अगर कोई नाराज हो जाए तो संवाद से ही उसकी नाराजगी दूर की जाती है। कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो संवाद ही वो कड़ी होती है जिससे किसी की परेशानी समस्या को दूर किया जाए। और संवाद बेशक होना ही चाहिए, संवाद समय समय पर देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, फिर चाहे वो खेल जगत से हमारे खिलाड़ी हों, हमारी आशा कार्यकर्ताओं की बहनें हों, हमारे स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हों, संवाद ही तो है जिससे बात आगे बढ़ती है, प्रोत्साहन भी मिलता है और फीडबैक भी मिलता है। और यही संवाद जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं तो एक नई सियासत जन्म ले लेती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकर्ताओं से योजनाओं के बारे में फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक लेने का जरिया संवाद है। और अब इसी कड़ी में जिलों के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर सरकार पर तंज कस रही है और बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ता तो मुख्यमंत्री के सामने तारीफ ही करेंगे, जमीनी हकीकत जानना है तो ग्राउंड जीरो पर उतरना होगा, पदाधिकारियों से बातचीत करनी होगी और ब्यूरोक्रेसी के शायद तरफ बीजेपी का इशारा है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज, संवाद पर सियासत क्यों। मिलिए खास मेहमानों से जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़े। आप तीनों दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम अवतार जी, आप ही की प्रतिक्रिया से मैं शुरुआत करूंगा चर्चा की। संवाद बेशक होना ही चाहिए और जैसा कि मैंने बताया कि संवाद ही तो वो कड़ी है, संवाद ही तो वो जरिया है जिससे फीडबैक की बात हो, किसी की नाराजगी की बात हो, सच्चाई जानने की बात हो, संवाद से ही उसे दूर किया जा सकता है। अब ये बात अलग है कि कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को सही फीडबैक देता है या गलत फीडबैक देता है, ये अलग हो सकता है, लेकिन बीजेपी का एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का संवाद करके दूरियां कम करना, योजनाओं की हकीकत के बारे में जानना, कैसे देखते हैं आप? तो ये संगठन से ही सत्ता के रास्ते तय होते हैं और भूपेश बघेल भी संगठन से सत्ता में आए हैं, तो सत्ता में आने के बाद जो मंत्री हैं और नेता हैं
वो बंगलों में और अफसरों के बीच कैद हो जाते हैं या वहां से उनकी दूरियां कार्यकर्ताओं से बढ़ जाती है। अमूमन हर पार्टी में ये एक बड़ी शिकायत रहती है कि सरकार आने के बाद नौकरशाह से घिर गए, बंगलों में मिलते नहीं हैं। तो इस तरह की शिकायतों के बीच, चाहे सरकार किसी की हो, इस तरह की जो पहल है वो पहल का स्वागत करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर पहल हो रही तो उसमें जिस तरह से फीडबैक निकलने चाहिए, इनपुट। आप योजनाएं तो बड़ी बड़ी लागू कर देते हैं, योजनाएं बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है, पर उसका जो लाभ है वो जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, मिल पा रहा है तो कैसे मिल पा रहा है। जब तक कोई भी सरकार इन चीजों को नहीं समझेगी तब तक वो योजना जो है कागजी रूप में चलेगी, वाहवाही लुटाएंगे। तो ये फीडबैक जो है वो इनपुट एक तरह से वो मिलनी चाहिए कि क्या गतिविधियां हैं, क्या चीज है। तो उसके लिए जो कार्यकर्ता हैं निश्चित तौर पर सीएम के सामने सीधे तौर पर अपनी ही सरकार का कोई शिकायत या मुखर नहीं हो सकता, परंतु कुछ लोगों की जो भावनाएं अगर सामने आएगी, और एक तो वो बात सामने उभर कर आएगी कि वास्तविकता है क्या, पहली बात। दूसरी बात जो है, कोई भी कार्यकर्ता जो अभी तक संघर्ष करके सत्ता में लाया है वो अगर सीएम हाउस पहुंचता है, सीएम से उसको सम्मान मिलता है, सीएम से उसके डायलॉग होते हैं, तो एक कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह जाएगा कि हमारी सरकार है, कुछ पूछ परख तो हो रही है कम से कम, एक तो एक संदेश है। लेकिन सरकार, लेकिन तिवारी जी, एक छोटे से कार्यकर्ता की मंशा को आप क्या मानते हैं? एक एक कार्यकर्ता की मंशा क्या होती होगी जब वो मुख्यमंत्री से बात कर रहा है? तो क्या अपने सीएम के प्रति एक डर होता है जिससे वो शायद झूठ को भी सच बोल दे, या फिर निडरता से एक निष्ठा के साथ कार्यकर्ता सच्चाई के साथ जो बात है वो सच्चाई के साथ मुख्यमंत्री से हम करेंगे, मंशा क्या होती होगी? देखिए, एक तो निकटता बनाने की मंशा होती है, अपनी सरकार की प्रशंसा करने की और अच्छा बनने की होती है। कई बातें इससे सामने नहीं आ पाती है, ये ज्यादातर देखा जाता है कि कोई मुखर होके बोले तो शायद नाराज होने का डर रहता है, सीएम के नाराज होने का, या सही बात नहीं बोल पाते। फिर भी जो मुझे जानकारी है, कई जिलों के उनके नेताओं ने अपने बड़े अफसरशाही की या विधायकों की उन्होंने शिकायत की है। वो इसलिए बोल रहा हूं कि उस बैठक में ना विधायक उपस्थित थे उस क्षेत्र के, ना बड़े नेता थे, तो एक तरह से जो जिनकी शिकायत कर सकते हैं वो ऐसे लोग नहीं थे, तो ऐसे में शायद कार्यकर्ता खुलकर बोले होंगे। तो एक फीडबैक आया है, किस तरह का फीडबैक आ रहा है, उसका क्या रूप में उपयोग हो रहा है, सरकार किस तरह से उसका उपयोग करती है शासन चलाने में, अपनी पार्टी को मजबूत करने में, और कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है उसको किस हद तक पूरा कर पाते हैं, ये आने समय में देखने मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि ये फीडबैक जो कार्यकर्ता की तरफ से सीएम को दिया जा रहा है वो पॉजिटिव दिया जा रहा है, सच दिया जा रहा है, या नेगेटिव दिया जा रहा है, गलत और झूठा दिया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं समझ पा रहा हूँ। मैं लौटूंगा आपके पास, केदार जी का मैं रुख करूंगा। केदार जी, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है, बीजेपी को, कि कार्यकर्ताओं और सीएम के बीच जो संवाद की श्रृंखला शुरू होती है, ठीक है बेशक एक कांग्रेस की मंशा या सीएम की मंशा हो सकती है कि कार्यकर्ता की अभिलाषा क्या है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, और उससे फीडबैक लेने का जो एक मंशा है, जो एक मोटिव है, वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई कार्यकर्ता तो तारीफ ही करेगा। देखिए, संवाद बहुत जरूरी है, संवाद होना चाहिए, और एक मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर सीधे संवाद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किस समय, जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की रैली में आवाज उठती है छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, तब ये संवाद की स्थिति पैदा होती है कि कहां गैप हो गया। तो बहुत ही कार्यकर्ताओं में बड़ा असंतोष है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में, और यह दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। एक बड़ी घटना हुई जब एक विधायक बृहस्पति सिंह जी 16 से 18 विधायकों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री पर जानलेवा हमला और हत्या करने का प्रयास जैसे आरोप लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले रूप में, और उन्हीं पार्टी के सत्ताधारी गृह मंत्री बयान देते हैं कि ऐसा कोई FIR नहीं हुआ है, तो 18-19 विधायक बैठकर झूठ बोल रहे हैं। क्या हो रहा है?
कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो बड़ी घटना है कांग्रेस पार्टी में घट रही है, और आज संवाद करना है तो आप मुख्यमंत्री बने प्रदेश की जनता के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता से संवाद होना चाहिए, और विधानसभा में ये बातें अभी सामने आई कि 3 से 5 लाख टन जो किसान भाइयों का धान सड़ गया, बारिश में सड़ गया, इतनी मेहनत से उगाया था किसान भाइयों ने, पूरा 2500 रुपया देकर सरकार ने खरीदी थी, प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा उसमें लगा था, किसान की मेहनत लगी थी, उसे सड़ा दिया गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाए। सिर्फ सरगुजा संभाग में 1500 करोड़ रुपए का धान का शॉर्टेज है। और एक बड़ी बात विधानसभा में उठी कि 450 टन गोबर बह गया, खरीदा हुआ 10 रुपए में। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने मुस्कुराहट देकर पूछा कि भाई बारिश में बहा कि पहले ही बह गया था जी। तो इस प्रकार का वातावरण जो आर्थिक दृष्टि से कुप्रबंधन का वातावरण, आपराधिक दृष्टि से देखिए तो छत्तीसगढ़ में ग्राफ बढ़ रहा है, चावल खरीदते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, और वो सब जितना शॉर्टेज हुआ उसको हाथी को मैं लौटूंगा केआर जी, लौटूंगा ठीक है। आप अब आपकी कुछ आप आरोप जो लगा रहे हैं सरकार पर, जरूर मैं सुरेंद्र जी से उस पर जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, केदार जी को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कई आरोप तो लगाए ही हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए। संवाद का बेशक स्वागत है, लेकिन ये संवाद कार्यकर्ताओं की तरफ से सीएम के पास जो जा रहा है ये सच्चा जा रहा है कि झूठा जा रहा है, और अगर झूठा जा रहा है तो कैसे डिफेंड करेंगे आप बीजेपी के इशारों को? देखिए, एक सबसे पहली बात ये है कि आज आपने जिस विषय पे चर्चा रखी है वो चर्चा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुला करके उनसे संवाद कर रहे हैं, या आप उसको फीडबैक लेना कहें, जो भी कहें, जो भी बात है। मगर हमारे मित्र आदरणीय केदार गुप्ता जी ने दुनिया भर की बातें कही, और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के इसी बात से अंदाजा लगता है कि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री के सामने कोई सच कैसे बोलेगा। अरे भाई ठीक है, आपकी पार्टी में सच बोलने का साहस नहीं है, आपकी पार्टी के लोग सच सुनने के आदी नहीं है, आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं को गुलाम समझा जाता है, ठीक है, मगर हमारी पार्टी में तो खुले रूप से लोगों के बीच में चर्चा होती है, और निश्चित रूप से जनता के नुमाइंदे हैं, जनता ने चुना है, जनता की सरकार है, जनता के प्रति जवाबदेही है। कोरोना काल के कारण बड़ी सभाएं हो नहीं सकती और ज्यादा दौरे नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन लेकिन सुरेंद्र जी, ये आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जो संवाद कार्यकर्ताओं सीएम के बीच हो रहा है वो सही हो रहा है या झूठा हो रहा है? क्योंकि जिसका जिक्र राम अवतार जी ने भी किया, केदार जी ने किया, एक वो संवाद होता है कि सीएम से निकटता बढ़ाने के लिए या उनकी बेवजह झूठी तारीफ करने के लिए बेवजह झूठा संवाद हमने कर लिया, और एक सच्चाई क्या है, क्या योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाएं सही तक हितग्राहियों तक पहुंच पा रही है या नहीं, ये कैसे आप बताएंगे कि सही मायने में संवाद सच्चा हो रहा है या झूठा हो रहा है? ये एक बात समझ लीजिए आप। दरअसल में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, और गांव के छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े बड़े नेताओं तक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनका आज भी वो जब मिलते हैं तो इतने सहज रूप से मिलते हैं कि उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई डर के कोई बात करता है ऐसी बात नहीं है, और कार्यकर्ताओं को बुलाया इसीलिए जाता है कि जो योजनाएं हमने लागू की हैं वो ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके संबंध में जानकारी लेना, उन योजनाओं को विस्तार करने के लिए कौन सा और स्वरूप दिया जा सकता है, क्या सुझाव है, क्या जनता का फीडबैक है, इन सारी बातों पर बड़ी खुल के चर्चा होती है। और मैं तो उसमें कई बैठकों में रह चुका हूँ, मैं अपने आप को देखा हूँ, लोग खुल के अपनी बात कहते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, कड़वी बातें भी कहते हैं, प्रशंसा की भी बात करते हैं, कुछ आलोचना की भी बात करते हैं, कुछ समीक्षा की भी बात करते हैं, कुछ अपने मन की भी बात करते हैं। तो ये तो दरअसल सुरेंद्र जी, अगर इतना कुछ हो रहा है तो फिर बीजेपी की तरफ से ब्रजमोहन अग्रवाल को ये क्यों कहना पड़ता है कि 2.5 साल की ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार, सबसे इतने आरोप लगाते हैं, तथ्यों के साथ आरोप लगाते हैं बीजेपी की तरफ से, ब्रजमोहन की बात करें, रमन सिंह की बात करें, सरकार जब 2.5 साल से अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष में बैठी बीजेपी फिर इतने गंभीर आरोप कैसे लगा देती है? गंभीर आरोप कहाँ, साथ कहाँ लगाया आप? आरोप तो ये क्या, दागो और भागो वाला हिसाब किताब है। कभी कहेंगे गोबर बह गया, कभी कहेंगे गोबर की क्वालिटी ठीक नहीं है, कभी कहेंगे ऐसा हो गया,
कभी कहेंगे वैसा हो गया। वास्तविक बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जब से बनी है तब से किसानों के पक्ष में सरकार ने जिस दिन से काम किया है उसमें वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी को जैसा सहयोग करना चाहिए, उसके बजाय हमेशा अड़ंगेबाजी हुई। 2500 रुपया कीमत देने में भी अड़ंगेबाजी हुई, धान खरीदी में भी अड़ंगेबाजी हुई, वैक्सीन के मामले में भी अड़ंगेबाजी हुई, कोरोना के संकट से निपटने में भी अड़ंगेबाजी हुई। तो कुल मिला के बात यह है कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इस बात की चिंता में लगी है कि भाई जो हमारी स्थिति 14 सीट तक आ गई है और जिस तरह से सरकार काम कर रही है और छत्तीसगढ़ के तमाम जो किसान इनके पक्ष में खड़े हो गए हैं और अभी एक जो योजना हमने लागू किया है भूमिहीन कृषक मजदूरों के न्याय की योजना जिसमें उनको 6000 रुपए सालाना मिलेगा। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक किसान को साल भर में 6000 रुपए देते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषक मजदूरों को 6000 रुपए। जी ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है। केदार जी फिर मैं जितना समझ पा रहा हूँ सुरेंद्र जी की बातचीत से, अच्छा तो काम कर रही है सरकार, बीजेपी बेवजह फिर फिजूल के आरोप क्यों लगा रही है? नहीं, मैंने कहा आपको कि गोबर बह गया तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने मंत्री जी से पूछा कि बरसात में बहा कि पहले बह गया। मैं कह रहा हूँ धान सड़ गया तो ये खुद बोल रहे हैं कि सड़ा हुआ धान हाथी को खिलाने वाले है। ये भाजपा का आरोप लगा रही है, इनके मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धान सड़ा है हाथी को खिलाना पड़ेगा। अरे भाई कभी खिलाया नहीं इतने वर्षों में, अभी क्यों खिला रहे हैं? ये कहते हैं धान का शॉर्टेज है, उसका बिल फाड़ के हाथियों को, तो भाजपा का आरोप लगा रही है? ये छत्तीसगढ़ डोड़ रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है कि भाजपा आरोप लगा रही है, भाजपा नारे लगा रही है। तो जो वर्तमान स्थिति है उससे पूरी कांग्रेस पार्टी भयभीत है और उनको अभी कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा मिश्रा जी कि अगर ये अंदर इतना असंतोष है और माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता और सरकार के काम जनता की सेवा को छोड़ के कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है उनको, तो आखिर जनता की सुनेगा कौन? एक भी विकास के काम नहीं हो रहे हैं, सारे विकास के काम ठप है, एक नई ईंट नहीं रखी गई है छत्तीसगढ़ में। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि विकास के नाम पर एक ईंट नहीं रखी गई पर 40,000 करोड़ से ज्यादा का लोन ले लिया गया। तो ऐसे में बुलाना तो पड़ेगा, सबको समझाना तो पड़ेगा कि भाई क्या हो गया, ये किसी के समझ नहीं आ रहा, कार्यकर्ता पूछ पूछ के हैरान है कि 40,000 करोड़ गया कहां। पर केदार जी कांग्रेस ये भी आरोप लगाती कि हम विकास का काम करते हैं तो केंद्र हमारा साथ नहीं देती, बारदाने की कमी हो, वैक्सीनेशन की कमी की बात हो, जीएसटी के पैसा मिलने की बात हो, धान का मसला हो, कोऑपरेट नहीं मिल पाता है, तालमेल नहीं बैठ पाता है केंद्र के साथ। देखिए संघीय व्यवस्था है, प्रदेश के अपने अधिकार हैं, प्रदेश का अपना वित्त प्रबंधन है, आर्थिक प्रबंधन है, प्रदेश की अपनी जिम्मेदारियां हैं, प्रदेश के अपने कर्तव्य हैं, प्रदेश के अपने फर्ज हैं जो सारे संविधान में निहित है। केंद्र सरकार आपको बारदाना देगी तब आप चावल धान खरीदोगे, ऐसा कहाँ लिखा है? अरे भाई आपको धान खरीदना है तो आपको बोरे का ऑर्डर, मैं फिर से आज आपके चैनल में कह रहा हूँ, जो अधिकारी भाई सुन रहे होंगे सुन लें कि अभी से बारदाने का ऑर्डर दे दें, नवंबर नजदीक है, धान खरीदना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो फिर केंद्र को बोलेंगे कि ये भाई बारदाना दिया नहीं। अरे आपको खरीदना है, केंद्र सरकार एडवांस पैसे दे देती है आपको कि बारदाना खरीद लो भाई, धान खरीदना होगा उसका, पिछले बार 9,000 करोड़ रुपया 2 महीना पहले भेज दिया था तब ये नहीं खरीद पाए। इन्होंने कहा हम वैक्सीन लगाएंगे, 18+ को वैक्सीन लगाने दो, केंद्र सरकार ने कहा लगा लो, तब उसको 4 भाग में बांट दिया, एपीएल बीपीएल सीपीएल डीपीएल पता नहीं कौन कौन से पीएल लगा दिया इन्होंने। और वहां पर जाते थे तो बोले वो बीपीएल के लिए तो वैक्सीन है, एपीएल के लिए खत्म हो गया और वो बीपीएल वाला वैक्सीन खराब हो जाएगा पड़ा है उसके। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सिस्टम है वो प्रदेश का पूरा खराब है। जैसे माननीय ब्रिजमोहन जी ने कहा कि ये सरकार असफल सरकार है और पूरे प्रदेश में मैं कहूंगा त्राही त्राही है। तब कार्यकर्ताओं की याद आ रही कि भैया अरे नैया तो हिल रही है, इसको थोड़ा सी संभाल लो, छत्तीसगढ़ ही नहीं दिल्ली तक आवाज आ रही है। आप दोनों राजनीतिक मेहमानों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने आरोप हैं, बातें हैं। राम अवतार जी एक क्यों ना एक श्रृंखला या कुछ एक कड़ी ऐसी संवाद की होना चाहिए जिसमें विपक्ष सत्ताधारी पक्ष से कुछ सहज कुछ सकारात्मक विकास की बात करें। आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार बयानबाजी तो हम खूब देखते हैं और उसी पर हम रोज चर्चा भी करते हैं, लेकिन क्यों ना एक सकारात्मक विकास का संवाद सत्ता पक्ष का विपक्ष से हो, विपक्ष सत्ता से करे, इस पर क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने, जो संवाद है वो कार्यकर्ता के अलावा
समाज के अलग अलग वर्ग, उन सभी वर्गों से चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा से ही जो है समाधान के रास्ते निकलते हैं और एक अच्छी सरकार चल सकती है। उसी तरह विपक्ष लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी बुलाकर, उनके नेताओं को बुलाकर, क्योंकि उनका दीर्घ अनुभव है, उस अनुभव का भी फायदा राजनीतिक दलों को, कोई भी सरकार रहे, वो लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से एक वर्ग जो है वोट दे दिया, एक वर्ग ने वोट नहीं दिया इसलिए उसके अपमान करना है, ये तरीके ना सोचकर ये सोचा जाना चाहिए कि समाज का कौन सा वर्ग है जो अछूता है, उस वर्ग को अपने साथ जोड़ते हुए, उनसे संपर्क करते हुए, उनसे ज्यादा से ज्यादा मिलते हुए अगर बेहतर काम करेंगे तो वो सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार होगी, वो सरकार का उद्देश्य सही निकलेगा। भाजपा में जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई या कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ या कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई, इसलिए सरकार का नहीं आने का भाजपा का एक बड़ा कारण है। वो ये भी है कि कार्यकर्ताओं के मन में असंतोष था, उनकी पूछ परख नहीं थी, उनके बंगलों में प्रवेश नहीं था, उनके जो परिवार में किसी की समस्या है उस समस्या को हल करने जब मंत्रियों के पास जाते थे, उनको अपने जो अनुशासन की बात और राष्ट्रवाद की बात सुनाकर वापस लौटाते थे, ये बड़ी समस्या भाजपा में थी जी। वो समस्या कांग्रेस के भीतर ना रहे। कांग्रेस अभी से अगर अपने कान को खुले रखेगी, अपने बंगलों के दरवाजे खुले रखेगी, उनकी बातों को सुनेगी और सम्मान करेगी तो उनकी पार्टी मजबूत हो सकती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। बिल्कुल, ये फॉर्मूला, ये आधार आपने जो बताया, ये मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दल के लिए है, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। और अभी सत्ता में चूंकि कांग्रेस है, 15 साल बाद शासन में आई है, तो अभी 2.5 साल का वक्त करीब करीब और बचा है शेष। लेकिन संवाद को लेकर ही हमने आज चर्चा की और इसी संवाद के जरिए मैं जरूर समझ पाया कि ठीक है, संवाद बेशक होना चाहिए लेकिन अच्छा हो, सच्चा हो, और संवाद अगर कुछ विकास की राह पर आगे बढ़ता हो, सच्चाई के साथ, निडरता के साथ, तो बिल्कुल फिर उसमें कोई दोमत नहीं है कि एक अच्छा संवाद बहुत कुछ फायदा भी कराता है, विकास की ओर भी ले जाता है। चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के साथ और नहीं चर्चा कर पा रहा हूं, वरना सवाल कुछ और भी थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, सुरेंद्र शर्मा जी, केदार गुप्ता जी, राम अवतार तिवारी जी। 2.5 साल अभी बचे हैं भूपेश सरकार को और इन 2.5 सालों में विपक्ष के तेवर तो काफ़ी तीखे दिख रहे हैं। बीजेपी चूंकि 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई है, भूपेश सरकार अब सत्ता में आई है, लेकिन यही संवाद की कड़ी को लेकर एक बार फिर मुद्दा बनाने की कोशिश की बीजेपी ने। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि यह संवाद कितना सही हो पाता है, कितना अच्छा फीडबैक, कितना सच्चा फीडबैक मुख्यमंत्री को मिलता है और मुख्यमंत्री उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।